Bliss is the cause material of this world. इस जगत के उत्पत्ति का कारण आनंद है। दुख नहीं है। क्योंकि भगवान की सत्ता एक है, परमात्मा एक है। और जब पहली बार वो एक्सपेंशन का विचार अपने मन में लाए, तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले श्री राधा को प्रकट किए। राधा आह्लादनी शक्ति है, आह्लाद। थोड़े बहुत हिंदी के शब्दों से आपका परिचय हो तो आप जानते होंगे कि आह्लाद किसे कहते हैं। कई बार आपने प्रयोग भी किया होगा, आज मन बड़ा आह्लादित है, प्रसन्न है। प्रसन्नता का सूचक, ताजगी का सूचक, आनंद का सूचक शब्द ही आह्लाद है। और फिर राधा और कृष्ण ही समस्त जगत के, विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण हैं। कुछ समय के लिए विज्ञान को अपने दिल से निकालोगे तब ये बात समझ में आएगी। क्योंकि फिर मैटर, इन सब चीजों का विचार करोगे तो ये सब भी परमात्मा ही हैं। उनके एग्जिस्टेंस के सिवा और किसी भी वस्तु का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में है ही नहीं, इस यूनिवर्स में नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वो निश्चित तौर पर अपने उत्पत्ति के कारण और अपने उत्पत्ति के जो यादें हैं उनसे वो बहुत दूर हो गए हैं। उन्होंने किसी और इतर वस्तु को अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। इतर मीन्स अन्य। वरना आनंद से प्रकट होने वाला यह जगत भला दुखी भी कैसे हो सकता है? इसमें परेशानियां कहां हैं, कष्ट कहां है? इसलिए बुद्ध पुरुष जो होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि मैं आनंद का ही प्रकाश हूं। मेरा प्रकट होना इस पृथ्वी पर आनंद का कारण है और इसीलिए उनका जीवन एक महोत्सव और उत्सव होता है। वह सदा प्रसन्न चित्त, आनंदित। और तुम्हारे भी दुखी होने का जो मूल कारण मुझे समझ में आता है,
विचारों से अपने आप को आरोपित करके रखे हो जो तुम हो ही नहीं, उन विचारों को तुमने अपना हमदम बना लिया है, संगी साथी बना लिया है, जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उधार की दी हुई विचार दुख ही प्रकट कर सकते हैं और सुखी होने का, आनंदित होने का कोई उपाय भी नहीं है। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं मैं भगवत भजन करता हूं, कीर्तन करता हूं, पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, उपवास रहता हूं, फिर भी दुखी हूं। तो ऐसा नहीं कि कोई बुद्ध पुरुष, साधु संत बड़ा विचार में पड़ जाता होगा, अरे भगवान इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो आपको बड़ा मानते हैं, प्यार करते हैं। तो वो अपनी जगह स्थिर है, उनको पता है कि ये जो बता रहा है और जो कर रहा है इसमें बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। क्योंकि यह जो जानता है, जो समझता है, अपनी समझ से जिसमें कुछ न कुछ मिक्स हुआ है, इस संसार का मूढ़ता, जिसके कारण आनंद और सुख का जो ये रास्ता समझता है, जिस पे ये चलता है, वो उसे वहां तक नहीं ले जा सकता। यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे सुबरी नारायण का मंदिर मिलेगा, पर किसी ने ऐसा मन में विचार किया है, सोचा है कि राइट हैंड साइड में मिलेगा और कई किलोमीटर जाने के बाद भी उसको न मिले, तो वो दुखी होकर बैठेगा, लोगों से कहेगा देखो 500 मीटर में ही लोग बोलते थे मिल जाएगा, मैं तो 50 किलोमीटर आ गया, मुझे नहीं मिला, ये कैसा न्याय है, इतना परिश्रम किया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, रात्रि से ही उपवास थे कि कल मंदिर दर्शन करेंगे, भगवान भी गरीबों की नहीं सुनते। तब पता नहीं क्या क्या, और मूर्खों की तरह। पर वो यह स्वीकार नहीं कर रहा कि तुमसे जो एक मौलिक चूक हो गई दिशा के चुनाव में, लेफ्ट और राइट, ईस्ट और वेस्ट, उसको नहीं समझ रहा और फिर अपने भाग्य को कोसते हुए फिर अनंत दुखों के साथ फिर चलना प्रारंभ करता है और फिर 50-1 किलोमीटर चला जाता है और फिर बैठकर फिर संध्या को वही दुख, देखो अब बताओ अब कितना चलूं, अब तो हद हो गई। और वो किसी की बात सुनने को भी राजी नहीं, कोई उस मंदिर का जानकार जो उसके डायरेक्शन को जानता है उसको बताता भी है तो अपनी मूढ़ता में, वो इतनी जड़ता में इतना विद्यमान है कि वो उसकी बातों को स्वीकार भी नहीं करता। कहां करते हैं हम राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, व्यास की, जैमिनी की, गौतम, सांडिल्य, गर्ग, इनकी बातें कहां सुनते हैं हम? हम तो अपनी ही बनाई धारणाओं में जिए जा रहे हैं, अपने ऊपर आरोपित किए हुए मूढ़ता को ही सूत्र मानकर अपने जीवन को कैरी ऑन किए जा रहे हैं। और फिर सुबह होती है और फिर वो चलता है 50 किलोमीटर और फिर नहीं मिलता उसको मंदिर, और फिर एक दिन तो ये जीवन है 50-60-70 सालों की, कब चूक जाए, कब धोखा दे दे, क्या पता, धोखा क्या, जाना ही है। और फिर ताउम्र चलने के बाद भी वो उस लक्ष्य तक न पहुंच पाया, गंतव्य तक जहां उसे जाना था,
और जीवन के प्रत्येक संध्या शिकायत में गुजरी, जीवन की प्रत्येक संध्या दुख में गुजरा, पीड़ा अलग हो रही है, किलोमीटर पे किलोमीटर चले ही जा रहे हैं, बस रास्ते को नापे ही जा रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। यही हमारी जीवन की कथा है। हम भी परिश्रम कम नहीं कर रहे, हमने भी अपने मस्तक पर दुनिया का बोझ कम नहीं उठा रखा है, बल्कि यो कहो कि सारी दुनिया का बोझ ही अपने ऊपर हमने उठा रखा है। ये बात दिगर है कि मैंने कई बार समझा दिया है कि वो बैलगाड़ी को बैल ले जाते हैं, कुत्ता नहीं ले जाता है, कुत्ते को भ्रम होता है मैं ले जा रहा हूं, और उस भ्रम के कारण ही वो कष्ट में है, कोई बोझ नहीं है उसके ऊपर। अगर वास्तविक कोई बोझ होता और उसे पसीने आते तो एक बात भी समझ में आती थी, चलो यार बोझ तो कम से कम उठाया है, पर ये भ्रम है, कोई बोझ नहीं उसके ऊपर, पूरे बोझ दो बैलों के ऊपर है, राधा और कृष्ण ही लेके चले जा रहे हैं इस जगत को, और उसने बस मान लिया है कि ये सारा बोझ इस बैलगाड़ी के ऊपर जो क्विंटल के क्विंटल अनाज है वो सब अकेले मेरे कंधे पर, और फिर इस आभास मात्र से जीवा निकल जाती है उस कुत्ते की, हांफने लगता है, और फिर न जाने कितनी तकलीफ और कितना अहंकार कि मैं ही ले जा रहा हूं, मेरे ही ऊपर सब बोझ है। तो ये दो बातें जीवन में हैं, एक तुमने बिना किसी बुद्ध पुरुष की शरण में आए अपने दिशा का चुनाव कर लिया, और तुम रॉन्ग ही करोगे, राइट कर भी नहीं सकते। ये मत समझना कि कभी कभी अनजाने में होता है ना, बहुत लोग कहते हैं अनजाने में लॉटरी लग गई, अनजाने में अच्छा काम हो गया, बट यह कोई रास्ता नहीं है कि अनजाने में अच्छा काम हो जाए, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की एक प्रबल शक्ति माया वह भी तो तुम्हारे साथ खड़ी है ना, वो मिसगाइड करने के लिए खड़ी है, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ले जाने के लिए खड़ी है, और तुम उससे प्रेरित हो, उसके इन्फ्लुएंस में हो और तुम जानते नहीं। और मैंने एक दिन कहा था कि अनजाने में भी अग्नि में हाथ डालने से अग्नि ये नहीं कहती कि नहीं नहीं छोड़ दो, बेचारा जानता नहीं था, बच्चा है और मुझ में हाथ डाल दिया तो क्या जलाना, छोड़ दो इसको ना, वो अग्नि का गुण है वो जलाएगा, हाथ तुरंत जल जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सीधे हो, सरल हो, अच्छे हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, अननोन हो, नहीं जानते, कोई भी मेरा धर्म है, गुण है, मैं जलाऊंगा, जान के डालो या अनजाने में जलोगे। इसलिए वो माया से प्रेरित, माया का सीधा सीधा अर्थ समझ लो, जो वस्तु जिस कारण प्राप्त हो सकती है उसके विपरीत कारण का आभास कराने वाली शक्ति का नाम ही माया है, उल्टा। और हम सब उसी से प्रेरित हैं, यहां बैठे हुए जो भी लोग हैं, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, जीने वाले, हंसने वाले, रोने वाले, क्योंकि हमारा रोना भी दो मिनट का, हंसना भी दो मिनट का, अभी हंसते हंसते कब रो जाए क्या पता, क्योंकि बर्थडे में, एनिवर्सरी में, मेले में, जब टूर पे जाते हैं तो सभी हंसते हैं, पार्टियों में सभी हंसते हैं, पर ओवरऑल उनकी जिंदगी की जब डायग्राम बनाओ, कैलकुलेशन करो, तो पता चलेगा रोते हुए ज्यादा समय निकल गया, गुजर गया दुख में, कष्ट में, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सो मेनी। तो ये जो अनजाने में हमारे ऊपर माया का प्रभाव है, और इसलिए हम खुद को जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं, मैं तो किसी का बात नहीं सुनता, किसी का भी नहीं,
मैं मेरे मन से चलता हूं। अब ये तो और दुविधा है, क्योंकि माया से संलिप्त तुम्हारा मन है, माया का पूरा उसके ऊपर सत्ता है तुम्हारे मन के ऊपर, माया ही शासक है तुम्हारे मन का और वो उसको गाइड कर रहा है, तो तुम कभी भी राइट वे में जा ही नहीं सकते, तुम रॉन्ग वे में ही जा रहे हो और बुद्धों की बात तुम सुन नहीं सकते, उन संतों की बात तुम्हें प्यारी लगती ही नहीं। भगवान ने जो चिल्ला चिल्ला कर कहा है, गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, वो तुम्हें जानना नहीं, मानना नहीं। तुम तो उन पुस्तकों में से भी दो चार मूर्ताएं जो परिवर्तित कर दी गई हैं अंग्रेजों के द्वारा या उन पंडितों के द्वारा, सो कॉल्ड पंडितों के द्वारा, जिन्होंने शास्त्रों को भी चेंज किया है, शास्त्रों को भी बदला है थोड़ा, और वो इसलिए बदले हैं कि इस जमाने का धूर्त मनुष्य धूर्तता की बातें ही स्वीकार करेगा। तुम धूर्त हो तो धूर्तता ही तुम्हें पसंद आएगी, जो जैसा होता है उसको वैसी ही चीजें पसंद आती हैं, इसलिए उसमें बदलाव किए गए। और हमारा मन बड़ा धूर्त है इसलिए उनको बड़ी जल्दी स्वीकार करता है, और माया प्रसन्न है, दो धूर्त मिलकर और जीवन के दुखों के सागर में समा रहे हैं, मस्त है, वो खुश है। मेरा काम था इसको डिटैच करना, मैंने कर दिया परमात्मा से, आनंद से दूर करना ही माया का काम था, मां की गोद से हटाना ही माया का काम था, मां की गोद से बच्चे को हटाकर मां को भुला देना ही आया का काम था, बाई का काम था, उसने कर दिया। पर जब महात्मा आए, जब बुद्ध आए, तुम्हारे बीच में बैठे, तुमसे चर्चाएं की, तुमसे वार्ताएं की, तो तुम्हारा वो जो कलुषित मन है, तुम्हारा जो माया प्रेरित मन है, वो स्वीकार नहीं करता। और इस दुनिया की सबसे बड़ी अजूबी बात जो है वो ताजमहल, बेबीलोन का झूला, ये सब तो बेकार की चीज है, तो है, चलो कोई झूल रहा है, कोई चमक रहा है, क्या मिलना उससे, क्या है उसमें, जीवन के फलसफे में कौन सी चेंजिंग आ गई। कई बार ताजमहल देख के आ गए हो, कोई याद पड़ता है क्या, जब घर में क्लेश होता है तो ताजमहल याद पड़ता है, जब शरीर में कष्ट होता है तो बेबीलोन का झूला याद आएगा। ये उसी समय के लिए था, कैमरे में कुछ पल कैद किए गए थे, कुछ समय के लिए घूमे थे, अच्छा इतनी सदी की, अच्छा ऐसे बना था, अच्छा आज तक भी इसके कॉर्नर ऐसे मिले हुए हैं, तो कुछ समय के लिए, फिर आए, फिर कभी कोई मिल गया तो थोड़ी चर्चा और हो गई। बट जब तुम क्लेश में आते हो, विद्वेष में आते हो, जब तुम कष्ट में घिरते हो, तो कहां ताजमहल, कहां वो कोई प्लेटफॉर्म, कहां स्विट्जरलैंड, कुछ याद नहीं आता, वो मनाली सब भूल ही गए, चार दिन की चांदनी, क्योंकि ये संग सदा साथ रहते नहीं, ये नश्वर है। शाश्वत तो परमात्मा की वाणी है, शाश्वत तो सत्य है, जिसे जानकर तुम भी शाश्वत आनंद की गोद में बैठ सकते हो। पर चूंकि हमारा शरीर अशाश्वत है और हमने शरीर को ही खुद मान लिया है, मैं शरीर हूं, इसलिए हमारी सोच भी अशाश्वत हो गई है। यू हैव टू चेंज, तुम्हें परिवर्तित करना पड़ेगा अगर तुम सुखी होना चाहते हो। और अगर मैं बोलूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस दुनिया में, कोई कहे अगर तुम सुखी होना चाहते हो, बोले बाबा जी पागल हो गए क्या, वही तो होना चाहता हूं बचपन से, और कोई मेरा उद्देश्य ही नहीं इस जीवन का। हम वही चाहते हैं, ब्लिसफुल लाइफ, ब्लिस के बदले में ब्लिस्टर मिल रहे हैं, छोटे 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 छोटे, पता नहीं ये कैसे चेंजिंग आई, क्या हुआ। तो समझो इस कारण को, देखो जब तक किसी रोग के रूप को नहीं जानते, उसके जड़ को नहीं जानते, मूल को नहीं जानते, तो उसे दूर नहीं किया जा सकता।
आप फीवर में हो, आपको फीवर आ गया, डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड सैंपल्स लेते, टेस्ट करते, आजकल तो बिना टेस्ट किए कोई दवाइयां भी नहीं दी जाती। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास, तो रिस्क नहीं लेता। बहुत सारे मुकदमे हो चुके हैं उनके ऊपर, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर और मुकदमे हो। फिर वो डायग्नोस करते हैं कि तुम्हारे ब्लड में क्या डिफिशियंसी है, क्या कमी है, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं और तुम उनका सेवन करते हो, लेते हो और ठीक भी हो जाते हो। ऐसे ही तुम्हारे जीवन के इस दुख का जो ज्वर है, बैठ जाओ, जो ज्वर है उस ज्वर से तुम भी पीड़ित हो, सब पीड़ित हैं, पर हम उसके रूट कॉज को जानना नहीं चाहते। नीम हकीम खतरे जान, हमने सुना है, बिना किसी की तह में पहुंचे, जड़ में पहुंचे, जब हम किसी चीज के लिए उपाय करते हैं उससे उबर जाने का, हो सकता है और गहरे संकट में फंस जाए, इट मे बी पॉसिबल, और होता ही है करीब करीब ऐसा। इसलिए आप जड़ को जानिए, मूल को जानिए। आपने अभी तक पत्तों का सेवन किया है, किसी ने कहा वहां जल चढ़ाओ, तुम जल चढ़ाए, किसी ने कहा पांच मंगलवार रह जाओ, तुम रह आए, किसी ने कहा वहां पांच फेरा दे आओ, तुम दे आए, किसी ने कहा वहां जाने से संतान की प्राप्ति होती है, तुम चले गए, और न जाने क्या क्या बहुत सारी बातें तुम करते हो। वैसे जब तुमसे बात करें तो बड़े वैज्ञानिक हो तुम, कभी जब बुद्ध पुरुष तुमसे कोई बात करे तो तुम पूछते हो विज्ञान में इसका क्या प्रमाण है, पर तुम अपने जीवन में रोज ऐसी मूढ़ताएं करते हो, विज्ञान जिसको मानते ही नहीं, विज्ञान से जिसका वास्ता ही नहीं। ये दोगला चरित्र है तुम्हारा, एक तरफ तो तुम बुद्धों से पूछते हो विज्ञान इसमें क्या कहता है, और खुद ऐसे रोज कर्म करते हो जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं। ये कौन से चरित्र में जी रहे हो? क्या यह चरित्र तुम्हें सुखी करेगा? क्या यह चरित्र तुम्हें आनंद प्रदान करेगा? इसलिए अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हो तो 100% सोचो, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, मूढ़ता के अनुसार नहीं। यहां तो मैं वैज्ञानिक हूं, यहां कोई बात नहीं चल जाएगा, यहां तो विज्ञान चाहिए, यहां ऐसे भी चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक लाइन होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ये लाइन भी अजीब चीज है, लाइन से याद आता है, कई बार कई जगह लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी इस लाइन में आप कब से आए? तो वो भी बड़ा तकलीफ वाला प्रश्न है, अब क्या बोलूं उनको। मैंने कहा जब से लाइन मारना छोड़ा तब से इस लाइन में आ गया, अब क्या बोल सकता हूं। लाइन मारने का अर्थ, दुनिया की तरफ से जब दृष्टि हटी तो अपने भीतर में दृष्टि गई, जब एक्सटर्नल देखना मैंने बंद किया तो इंटरनल हमें जाने की इच्छा हुई, मैंने देखा उसको। तो प्रश्न भी अजीब अजीब है, इस लाइन में कब से आए और कैसा महसूस कर रहे हैं, इंटरव्यू दीजिए। और मैं महसूस क्या कर रहा हूं, तू तो कर, मेरे महसूस करने न करने से तुम्हारा क्या है, मैंने महसूस न किया होता तो तुम्हारे सामने बैठता कैसे। वैसे ये बात अलग है, बहुत वर्षों तक मैं ये सोचता था कि मैं जाता हूं और लोगों को ऐसे, पहले शुरू शुरू में जब बोलता था तो हंसी भी आती थी, आज खूब मूर्ख बनाए लोगों को, आधे घंटे तक, एक घंटे तक खूब ये किया। वो बहुत दिनों के बाद पता चला मैं किसी को नहीं जाकर के फ्लर्ट करता, ये बैठी हुई पब्लिक मेरे साथ फ्लर्ट करती है, मैं तो बोलते ही रहता हूं, एंजॉय करके निकल जाते हैं, बोलते रहो मुझे कोई मतलब नहीं, अब मैं सुखी हूं।
अब मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जो है बोलते जाओ, इनको जो समझना है वही समझेंगे। इसलिए बहुत गंभीर होकर कोई बातें नहीं कहता, और गंभीरता में कोई बातें आ भी नहीं सकती। ये तो लाइट मूड ही चाहिए। मूड ही जब हल्का ना हो, मन ही जब हल्का ना हो, मन में जब मस्ती ना हो, तो फिर वो मस्ती की बातें आ भी कहां से सकती है। मैं एक बार गुजरात में था, 15-16 साल हो गए होंगे, तो अब झूलेलाल तो मैं पहले से हूं, झूला झूलने का मेरा पहले से इरादा है। जहां गए झूला मिल गया तो फिर झूले में बैठते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे झूले पे बैठते थे और घर की वो सब छोटे छोटे बच्चे, आज जैसे मीठी को और बेबो को ऐसे गोद में बिठाता हूं, ऐसे बैठ के झूल रहे हैं और भी लोग हैं, कुछ चर्चाएं हो रही हैं और बहुत लाइट हल्के मूड में, इसकी उसकी खूब। और घर में एक दादी जी थी, ओहो बड़ी गंभीर, वो कैसे बताऊं उनको, क्या नाम क्या लूं, हिटलर भी कहना ठीक नहीं, पर वो एकदम पूजा का टाइम इतने बजे वहां जाना, इतने बजे वहां खड़ा। तो जैसे ही हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बहुएं भी थी घर की और लड़के भी थे खूब, उधर से आए एकदम गंभीर। अब वो धीरे से आई तो पहले एक बहू को याद आया कि मेरी अलमारी खुली रह गई है, मैं अलमारी बंद करके आती हूं। एक को याद आया 1.5 घंटे से बैठे हैं, थोड़ा बाथरूम भी जाना होगा। एक को कुछ और काम आ गया, एक को कुछ और आया। विद इन 4 to 5 मिनट्स बाजार खाली और मैं रह गया और वो रह गया। बोला बस गुरुजी यही दुख है मेरे को, कोई नहीं चाहता मेरे पास बैठना, इतना इन लोगों के लिए मैं करती हूं, पर मेरे आते ही सब। मैं क्या बताऊं कि मेरे पास अवसर होता तो मैं भी निकल लेता, ये तो मैं भी मजबूरी में बैठा था, घर की मालकी में कैसे जाऊं, बिचारी को बुरा कहेगा, लेकिन थोड़ा भी अवसर मिलता तो मैं भी निकल लेता, क्योंकि 6-7 दिन से था, देखता था उनको, समझता था। मैंने कहा माता कभी विचार किया इसके ऊपर कि सब बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, आनंद में रहते हैं, और तुम्हारे आते ही वो सब धीरे धीरे एक एक करके निकल लेते हैं, कारण क्या है, कोई तो कारण होगा। और नहीं, मैं तो सबका भला चाहती हूं, तुम चाहती हो भला, भला ही चाहती हो, कोई बुरा नहीं चाहता, कोई माता पिता, कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग अपने परिवार का बुरा नहीं चाहते, पर मामला क्या है कि लोग तुमसे दूर भागते हैं, उसका कारण एक ही है, तुम प्रेजेंट में नहीं रहना चाहती, वर्तमान में नहीं रहना चाहती। और वो कारण भी वही था, जब आती थी हमारे जमाने में, जब मैं बहू बन के आई थी, बस उस समय तो ऐसी कड़ाई थी कि अपने पास वो फिल्टर भी नहीं था, कोयले में पानी को ये कर, तुम लोगों को तो सब मिला हुआ है, वो कुछ न कुछ भूतकाल की बातों में ही जीती थी। अब मुझे तुम एक बात बताओ, कारगिल में युद्ध हुआ, बहुत सारे वीर सैनिक, उसके पहले भी 65-71, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए हमारे देश के, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फौजी युद्ध किए। अब वो कोई फौजी गांव में आकर और उसी बात को, अब चलो एक बार किसी ने सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, पर प्रतिदिन का उसका वही नियम है, सुबह हो तब शाम हो तब समय, तो फिर अब उसके बाद क्या, छोटे छोटे बच्चे भी कहते थे अंकल जी आगे मुझे पता है क्या होगा, दादाजी कहो तो मैं बोल देता हूं। वो हर समय पास्ट में डूबा हुआ है, अब प्रेजेंट है, वो समय गया और लोगों के भीतर आपने प्रेरणा पैदा कर दी कि तुम भी देश के लिए जो इट्स एनफ। पर जो लोग रोज तुम्हारी बात सुनते हैं, फिर उनके साथ वही बातें, फिर उनके साथ वही बातें। दुनिया के हर व्यक्ति को ताजगी पसंद है, बासी किसी को पसंद नहीं। अब छत्तीसगढ़ है तो बसौड़ा भात या कुछ यहां होगा तो भी, वो भी एक दिन का, 5 दिन का भात दे दो तो, और वो भी तो पीने वालों की कमी नहीं है, वो उसी भी बनता है, महुआ से तो बनता ही बनता है, भात से भी बनता है। मैं आदिवासी एरिया में रहा हूं, भात को सड़ा के ही शराब बनाते हैं, वो उसको पीते हैं। लेकिन यह सबको ताजगी पसंद है, सब ताजे चीज चाहते हैं। दुकान में जाओ और एक दिन माला लेके आए ये लोग, और वो थोड़ा मुरझाया हुआ, हमेशा मोनू ही तो आया था, तो दुकान वाले को बोला ऐसा नहीं चलेगा, देना हो तो बिल्कुल ताजा देना। हर व्यक्ति को हर चीज ताजी चाहिए, पर हम बासी जिए जा रहे हैं, हम बासी, हमारे विचार बासी, हमारी बातें बासी, और ये ताजगी पसंद लोगों को, बासी चीजें पसंद कहां से आएंगी। इसलिए तुम अपने विचारों से ऊपर उठो, तुम जो केवल पास्ट में जी रहे हो,
तुम भी प्रेजेंट में जीना शुरू करो, आज और अभी में सब आनंदित होंगे, सब तुमसे मस्ती में रहेंगे। पर तुमने अगर अपने आप को कुछ विशेष मान लिया है, और अक्सर ऐसा घर के गार्जियन में होता है, जो घर के मालिक अपने आप को समझते हैं वो खुद को विशेष ही मानकर बैठे होते हैं अनावश्यक बिना किसी कारण के, और उनको ये पता नहीं कि इस दुनिया में अगर दुख का कोई सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है तो विशेषता है। जैसे ही तुमने खुद को विशेष मान लिया कि मैं थोड़ा विशेष हूं, अब ये कपड़ा साधक होने का मतलब है, पहले कपड़ा पहनो, दाढ़ी बढ़ाओ, माला लो, खड़ाऊ देखो ये भी एक तो पूछे पीछे ही पड़ा था, बाबा जी ये खड़ाऊ क्यों पहनते हैं, तो अजीब अजीब लोगों की सवाल है यार, अच्छा लगता है। हाँ तो कोई पॉइंट दबता होगा और जरूर आप जानते हो, हम कि ऐसे ही मान लो, तो नहीं लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि केवल यही कारण होगा। अच्छा वो बताता भी है और फिर विश्वास भी नहीं होता, मनुष्य ऐसा ही है, वो तीरंदाज है ना, तीर पे तीर चलाया जाता है, पर उसको भी पता है आई एम रॉन्ग, मैं सही नहीं हूं। अब मैं क्या बोलूं इसका कारण, क्या समझाऊं उसको। मैंने कहा देख यार, मैं वृंदावन में रहता था, मंदिर जाने की बड़ी आदत थी मेरी, और परेशान हो गया चप्पल चोरी से और जूते चोरी से, पर ये एक ऐसी चीज है कि जाके खोल जाता हूं, भीतर दर्शन करके आता हूं तो अठन्नी चवन्नी चढ़ा हुआ भी मिलता है, तो चाय बीड़ी की व्यवस्था भी हो जाती है, इसीलिए पहनता हूं। वो तो मजाक कर गए, मजाक नहीं सच बोल रहा हूं, तुझे सही चीज का पता नहीं, जो बताओ वो मानता नहीं, क्या है इनके पीछे, इन सब कारणों से क्या मतलब है तुम्हें, क्यों खड़ाऊ पहन लिए। वो खड़ाऊ पहनने का अर्थ है मैं विशेष हूं, मेरी कोई विशेषता नहीं, मैं बहुत इजी फील करता हूं इन कपड़ों में, बहुत अच्छा लगता है पहनना, बहुत नॉर्मली मैं लोगों से भिन्न दिखूं, इसके लिए मैंने इसका ग्रहण नहीं किया, इसके लिए मैंने इसका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर इसके लिए मैंने इसका स्वीकार किया है तो यही मेरे दुख का कारण बनेगा, यही फिर तो मैं विशेष हो गया, मैं अलग चल रहा हूं, किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, अरे मेरे ये सब के बाद भी मुझे पहचानता नहीं, ये पता नहीं अपने आप में ही मैं दुख पाल के रखा हुआ हूं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि अपने आप में विशेषता पैदा करना और खुद को विशेष समझना भी दुख का एक विशेष कारण है, विशेष कारण ही बता रहा हूं, क्योंकि बाकी छोटे मोटे कारण तो तुम जानते हो। इसलिए घर के जो भी लोग हैं, जब उनको ऐसा लगे मैं तो विशेष हूं, मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा, अब वो तो करने वाले हैं नहीं, दबाव देके कितने दिन कराओगे, धीरे धीरे लोग निकल ही जाएंगे जब आओगे, तो दुखी तो तुम हुए जा रहे हो, जीवन तो तुम्हारा ऐसे ही चला जा रहा है, रोज किसी न किसी कारण दुखी हुए जा रहे हो। इसलिए मैंने एक बात खोजी कि जीवन में बहुत विशेषताओं के आवरण को ओढ़ना भी दुख का एक प्रमुख कारण हो सकता है, इसलिए भूल ही जाओ कि तुम विशेष हो, मस्ती करो, मौज में रहो। मुझसे जब भी कोई बात करता है, प्रणाम भी करता है, मेरे शब्द यही है, मस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो। अब तो बहुतों के शब्द यही हो गए हैं, मैं लिखता भी हूं व्हाट्सएप में भी, जो लोग मेरे साथ होंगे उनको पता है, ज्यादा कुछ लिखा मस्त रहो, बस उतना ही, मस्त रहो, मौज में रहो, क्योंकि जिंदगी यही है, मस्ती और मौज के लिए ही जीवन मिला है और इसी के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जीवन इसी को खोजते खोजते जीवन गंवा देते हैं, पर वो नहीं मिलता। अरे जिस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हो, खोज रहे हो, वो मिल ही नहीं रहा, चाहत उसी की है पर पाना नहीं चाहते। मैंने एक दिन और कहा था कि अपने आनंद के और अपने सुख के अगर सबसे बड़े बाधक इस दुनिया में कोई है तो स्वयं तुम हो और कोई नहीं है। तुम सोचते हो वो मुझे मेरा अपमान करता है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे काम में टांग अड़ाता है, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता, कोई किसी के दुख का कारण नहीं है। अगर तुम दुखी हो तो अपने दुख का भी कारण किसी दूसरे के ऊपर तुम देने के लिए बेचैन हो, व्यग्रता है, क्योंकि तुम्हारा ये मन ये स्वीकार करने को राजी नहीं है कि तुम मेरे कारण दुखी हो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं मेरे ही मन के कारण दुखी हूं, तब तो तुम मन को भी रिमूव कर दोगे। इसलिए मन कभी भी ये स्वीकार नहीं करने देता कि मैं मेरे कारण तो दुखी है। मन सदा उंगली दूसरों की ओर रखता है, परिस्थिति ठीक नहीं है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, पैसा होता तो हम भी सुखी होते, घर अच्छा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते इसलिए हम दुखी हैं, हमारा वो काम न हुआ इसलिए हम दुखी हैं, बीवी अच्छी नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, ये सारे के सारे काम। ये बात जब मैं कहा तो एक आदमी देख रहा था मेरी ओर, और उसके बाद सीधा मुंडी को नीचे कर डाला, भाई तेरे को नहीं कह रहा,
क्यों अपने ऊपर हर बात लेता है? मैं बहुतों को कह रहा हूं, सबकी हालत यही है, तेरी बात बाहर है, बाकियों की बाहर नहीं है, मामला सब यही बन रहा है। तो उसकी बात नहीं सुनते, इसलिए दुखी है। हमने लोगों के ऊपर आरोप दिए हैं, हमने लोगों के ऊपर चीजों को जबरदस्ती उनको दे दिया है, मैं तुम्हारे कारण दुखी हूं। क्योंकि जिस दिन ये तुम जान गए कि तुम तुम्हारे कारण दुखी हो, तो सबसे पहले अपने मन को रिमूव करोगे। और मन नहीं चाहता कि तुम सुखी हो जाओ, मन चाहता है तुम सदैव उसका गुलाम बने रहो। और गुलाम तभी बना सकता है, सपने तो सुख के दिखाता है पर वर्तमान में दुख देता है। और हम सब भी तो ऐसे ही हैं, अपने बच्चे को यही तो सिखाते हैं, बस बेटा यही तो दो चार साल पढ़ ले, मेहनत कर ले, फिर तो मौज ही मौज है। और बचपन से ऐसा पालन पोषण करते हैं ब्रह्मानंद बच्चों का, तो मत करना युग के साथ, लघु के साथ ऐसी बातें कि बस दो चार साल मेहनत है फिर तू कमाएगा, मेहनत करेगा। हमेशा उसको यही सिखाना, आज ही तेरा जीवन है, आज ही मस्ती है, पढ़ना है जा, थोड़ी मस्ती में पढ़ ले, कोई बात नहीं, तेरा मन है तो थोड़ा जाके पढ़ ले, पर इंजॉय करके पढ़ना। मेरे पास कोई भी जब स्टूडेंट आता है, मैं कहता हूं कि मुझसे पूछते हैं आपका फेवरेट गेम क्या था, मैंने कहा उस जमाने में मेरे गुरु की सेवा मेरा फेवरेट गेम था, जब मैं गुरु जी के पास था। कभी मैंने इस रूप में लिया ही नहीं कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं, एक विशेष काम। अब गुरु सेवा से छुटकारा मिले तब तो कुछ करें, ये सेवा हुआ कि भार हो गया। मैंने सुना है सेवा में आनंद मिलता है, मैंने सुना है सेवा प्रबोधता को प्रदान करती है। और सेवा को ही तुमने अगर कारागार समझ लिया, सेवा को ही तुमने तकलीफ समझ ली, तो ऐसी सेवा तुम्हारे जीवन में क्या कोई मस्ती लाने वाली है? अगर अभी तुम दुखी होकर सेवा कर रहे हो, मेरा क्या कहूं, घर में आ ही गए हैं तो अब जाने वाले तो है नहीं, और कैसे करूं, घर में झगड़ा भी हो जाएगा, दो लोग चाहते भी हैं, हम न भी चाहे तब भी टिकेगा ये कुछ दिन, तो घर में बकबक हो सकता है। चलो करो सेवा अब, लेकिन यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, कई जगह मैं बताऊंगा नहीं, मुझे जुलाब मिले हैं, जमाल गोटा की गोलियां मिल गई हैं, परिवार के लोग थोड़े सशक्त जो लोग थे, अब जो मुझे चाहता था वो थोड़ा बेचारा दबा हुआ होगा, जो मजबूत था वो बोल तो सकता नहीं था, चार पांच जमाल गोटा मिला के दे दिया, फिर उसके बाद तो बोतल ही लग गई थी मेरे पास। मैं कहा, मैं भी सोचा अब चलने का अच्छा टाइम है यार, ये बोतल के बहाने यहां से निकलो, बोतल लेके गया हॉस्पिटल में जाके चलाए। तो अगर तुम ये करना चाहते हो, हालांकि वो छुटकारा हुआ नहीं उनका, फिर जैसे ही ठीक हुआ मैं बोला अब कुछ दिन आराम करके चलता हूं, आप ही के घर में आराम मिलता है। अब बोले ये जहर दिए बिना मानेगा नहीं, मैं बोला वो खाने वाला नहीं हूं मैं, वो फिर तो तिकड़म ही चलता है हम दोनों के बीच में, और मैं तो मस्ती करता हूं, वो टेंशन में रहता है, अगला टेंशन में है, मैं मस्ती में हूं, देख रहा हूं और क्या क्या कर सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूं आपसे, जीवन के हर एक पल को मौज में बदल दो, जीवन के हर एक पल को मस्ती में बदल दो। कभी ये मत सोचो कि कल आनंद मिलेगा, कभी ये मत सोचो कि हम इतनी पूजा पाठ कर लेंगे, हम इतना मेहनत कर लेंगे, अभी कुछ दिन का मेहनत है सुल्तानिया ट्रैक्टर्स में है जम के लगेंगे, तो आने वाले समय में पता नहीं, अभी ही इतना है कि चार पांच पुश्त खाए न मरे, इतना जमीन सामने में, इधर 30 एकड़, उधर 12 एकड़, उधर 1 एकड़, और सब तो दो ही भाई तो हो, 50-50 भी हुआ तो कम है क्या, बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। लेकिन ये नहीं कि मैं अकर्मण्य बना रहा हूं तुमको, करो पर काम भी एंजॉयमेंट के लिए करो। सुल्तानिया ट्रैक्टर्स में बैठो, जरूर संजय एजेंसी में बैठो, पर एंजॉय करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, बोझ बन गया ये तो। एक है जो एंजॉय कर रहा है अपने काम को, क्यों, अरे बैठते हैं मौज लेते हैं, 20 स्टाफ है, ए रामू, ए कल्लू है, इधर आ, थोड़ा चाय लिया है, मौज कर रहे हैं, थोड़ा आनंद कर रहे हैं, थोड़ा हिसाब लिख रहे हैं, इसमें भी मस्ती है। और एक है कि बस वही दो बैलों के बीच में, मैं नहीं जाऊं तो दुकान नहीं चली, ऐसा कुछ नहीं होना, चल ही रहा है, ये भी ऐसा सोचता होगा तो बिना इसके भी चल रहा है। कभी यही संजय एजेंसी चलाते थे, बड़े काबिल, इसके बिना चलेगा ही नहीं, अब तो ध्यान भी नहीं देता, पता भी नहीं किसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, सब चल रहा है, बल्कि इसने कहा और बढ़ गया और अच्छा हो गया। कहीं तुमको भी ये ना अभिमान हो जाए कि मेरे ही कारण चलता है, तुझे क्या अभिमान होगा 12 बजे जाने वाले को, यहां तो खुद ही 12 बजे जाता है दुकान, क्या अभिमान होगा इसको, ये तो ऐसे ही मस्ती में जाता है। अब मैं चाहता भी तेरी ही तरह मनुष्य को,
मस्ती वाले मनुष्य को चाहता हूं, जो अपने हर काम को एंजॉय कर रहा हो, हर एक रिश्ते में एंजॉय कर रहा हो, हर एक बातों में, किचन में है और कुछ बन रहा है। अब मैंने कह दिया आज डोसा बनेगा, चाहो तो गाली देके भी बनाओ, बनाना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है, और चाहो तो एंजॉय करके बनाओ। अरे गुरु जी ने कहा था आज ऐसा बनाऊंगे कि मौज आ जाए, और अगर तू तो दुखी होकर भी बनाए ना तब भी मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्या, कैसा पिरा आज पिराई हुई ना, उसका आनंद मैं लेता हूं, और तुझे मैं बोला तू उसका दुख ले रही है, क्यों मतलब भाई तू भी आनंद ले, थोड़ा मिर्ची ज्यादा डाल के ले बाबा जी खा, तू अपना आनंद ले मैं अपने आनंद में, दोनों ही आनंद में रहे, मेरे कारण न तू आनंद का परित्याग कर न मैं तेरे कारण अपने आनंद का परित्याग करूं। हम एक दूसरे के कारण अपने आनंद का सुख का परित्याग न करें, बल्कि एक दूसरे के सुख के कारण अगर बन सकते हो, वो भी नॉर्मली, नॉर्मल कोर्स, किसी विशेष कोर्स में नहीं, कि हमको उनका आनंद बनना है, उसके लिए हम दुखी हुए जा रहे हैं, कई समाज सेवक की तरह, नहीं मुझे दुनिया से दुख मिटाना है। मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं आप दुनिया के दुख मिटाने के लिए सब बोलते हो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आप यकीन मानो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी के दुख मिटाने के लिए कोई बात ही नहीं करता। मैं ना खाली समय में बोर होकर दुखी हो जाऊं, इसलिए ऐसा समय फिट किया हुआ हूं, इतने बजे बोलूंगा, इतने बजे नाचूंगा, इतने बजे डोसा खाऊंगा, अपना समय बहुत ठीक ठाक किया हुआ है मैंने, मैं दुखी ना हो जाऊं। अब कौन सुखी होता है नहीं होता है ये तुम्हारे ऊपर है, ये बात अलग है कि इन्हीं बातों से, अगर इन मुस्कुराहट की बातों से, इन मौज की बातों से अगर तुम्हारे हृदय में ये बातें आ जाएं, मस्ती करना तुम भी सीख जाओ, हंसना तुम भी सीख जाओ, तो वास्तव में जीवन सीरियस था ही नहीं, कृष्ण सीरियस बनाया ही नहीं, वो अकेले बैठे था, उसको मौज में आया, एक राधा रानी होती तो कितना मौज आता, और उसने राधा रानी बना दिया। जीवन की सृष्टि कृष्ण ने आनंद के लिए किया, तो जीवन की सृष्टि जब आनंद के लिए हुई है तो हमें दुख कहां से मिला, क्यों, क्योंकि कृष्ण नॉन सीरियस थे, हम सीरियस हैं, अंतर इतना ही, बुद्ध नॉन सीरियस है। जो लोग ये कहते हैं कि बुद्ध महात्मा पुरुष संत ये बड़े सीरियस लोग हैं, उनसे बड़ा मूढ़ कोई दुनिया में ना होगा, इनसे नॉन सीरियस लोग तुमको दुनिया में आज तक कोई ना मिलेगा, वो कभी गंभीर ना हुए, गंभीरता उनके भीतर है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है 70 साल का जीवन अपना, 60 साल का जीवन पता है, और पता है पहले भी न थे इस शरीर में, आगे भी इसी शरीर में न रहेंगे, तो ये जो एक नया शरीर मिला है, तुम 3 दिनों के लिए कुल्लू मनाली जाते हो, दिल्ली जाते हो, अभी केरला होके आया, आया ना, और अभी कोई बाली होके आया, बाली होके आई ना वहां जाके, तो अभी कोई दुबई जाने का प्रोग्राम बना रहा है मुंगेरी लाल की तरह, वो भी अपना चक्कर में है कि निकल जाऊं, तो वो भी हम जाते क्यों हैं 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, कोई दुबई जाके दुखी होने के लिए जाता है क्या, कोई कुल्लू मनाली दुखी होने के लिए जाता है क्या, सब जाके एंजॉय करते हैं, उनको पता है कि दुबई में पूरा जीवन रहना नहीं है, पत्नी को भी कह दिया कचकच मत कर, 4 दिन के लिए आए हैं, बड़ी पैसा लगा है, खूब आनंद कर, अब पत्नी भी कहती है सुनो जी 4 दिन के लिए आए हैं खूब आनंद, हालांकि ये बात अलग है कि आनंद करना है, करना है सोच के आनंद नहीं हो पाता, कई बार 5 दिन तक यही सोचते रहते कि खूब आनंद करना है, लौटते समय कुछ नहीं कर पाए, अरे क्यों नहीं कर पाए, कर तो लिए, हो तो गया, संतोष नहीं है, जैसे 4 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हो, 5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हो, किसी की बरात में जाते, अब बरात तो भाई तुम्हारे परिवार के लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी, यहां सब चीज पहले से उपलब्ध है, लड्डू खाना है तो लड्डू मिल जाए, रसगुल्ला है तो रसगुल्ला, और रात्रि में भी फोन की घंटियां अगर बजा दी जाए, डोमिनो से पिज्जा मंगाना हो तो वो भी चली आती है, यहां क्या तकलीफ है, यहां तो हर चीज जो तुम चाहो फोन से आ जाती है, पर उस जमाने की बात याद करो, या आज भी जिन लोगों को रसगुल्ले मयसर नहीं है उनके लिए बरात तो बड़ी बात है, बरात मिल गई ऐसे आदमी को तो ओहो जीरे की पानी पी पी के वह 2 दिन से रहता है, ऐसा खाऊंगा, ऐसा उड़ाऊंगा, ऐसी मौज, कई कई लोगों को याद होगा, मुझे तो याद है अपना बचपन छोटेपन में कभी आश्रम में निमंत्रण आता था तो अब गुरुजी तो कहीं जाएंगे नहीं तो लॉटरी लग जाती थी हम लोगों के, हाँ हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो सोचते थे उस जमाने में भी यार बड़ी दो भाव होता था, एक डब्बे में पैक करके नाश्ता देते थे तो डिब्बे में उसमें, और एक खाली प्लेट में, हम जैसे बच्चों को तो जीवन भर प्लेट में ही मिला, और पूरा का पूरा सुख इसी में निकल गया कि डब्बे में क्या होगा, प्लेट का आनंद ही नहीं ले पाए कभी जीवन में, और पूरी चेष्टा होती थी कि पीछे खड़े होके बाएं खड़े होके कैसे भी डब्बा हासिल कर ले। अब ये बात उसको समझ में ना आएगी जो सोने के पलंग पे ही जन्म लिया हो, जिसने सोने के चम्मच में ही खाए हो, पर
ये बात उनसे पूछो जिनके जीवन में रसगुल्ले का महत्व है, रसगुल्ले को कभी देखा नहीं अच्छे से, तो वो उसकी प्राप्ति के लिए प्राप्त प्लेट का आनंद चला जाता था कई बार। और तुम जानते हो 7 साल की उम्र में ही गुरुजी ने एक बार बुला के पूछा कि आज गए थे तो क्या खाए, तो मेरे बताने का जो स्टाइल था थोड़ा दुखी जैसा था, तो और तो बोले और क्या क्या था, मैं बोला और डब्बा था वो सब बड़े बड़े, गुरुजी तो इसीलिए पूछे ही थे, बस इसीलिए पूछ रहा हूं। सुन, तुझे प्राप्त प्लेट का आनंद उस डब्बे के सामने गौन हो गया कि नहीं? आज सुबह आश्रम में क्या नाश्ता मिलता? मैं बोला यही जो मूंग चना हुई तो और क्या मिलेगा। बोला वहां क्या मिला? हम कि लड्डू मिले, प्याओ उसको बोलते हैं, वो गाजा बाजा क्या क्या सब नाम भी होता था अद्भुत, जिसको तुम क्या बोलते हो, बलुसाई बोलते हैं, वो सब मिलता था। उससे बेस्ट मिला कि नहीं? हमको बहुत बढ़िया मिला। बोला जो तुझे प्राप्त होता था उससे बेस्ट मिला, पर तुझे आनंद न आया क्योंकि तेरी दृष्टि में डब्बा था, उस डब्बे ने तुम्हारे प्लेट के आनंद को खा लिया, समाप्त कर दिया। क्या हम लोग भी ऐसे नहीं हैं? हर व्यक्ति के सामने, हर व्यक्ति से ऊपर कोई ना कोई डब्बा बना है इस दुनिया में। तुम अल्टीमेट नहीं हो, तुमसे धनी लोग हैं, तुमसे अच्छे लोग हैं, तुमसे ज्यादा कपड़े पहनने वाले लोग हैं, पर तुम्हारे पास जितना है, तुमने अगर अपने प्लेट का आनंद न लिया तो यह डब्बा पूरा जीवन तुम्हारे प्लेट के आनंद से तुम्हें मरहूम रखेगा। और परमात्मा भी सोचेगा इस नालायक को प्लेट भी क्यों दिया, ये तो प्लेट का आनंद ही कभी ना उठा पाया। इसलिए बुद्ध पुरुष वर्तमान में जीना सिखाते हैं, वर्तमान में जियो, जो तुम्हारे पास है। मैंने कहा था दैत्यों और देवताओं में सबसे बड़ा अंतर क्या है, राम और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या है बताओ। अगर एक बात अंतर पूछोगे तो राम कहते हैं जो मेरा है वो सबसे अच्छा है, और रावण वो है जो कहता है जो सबसे अच्छा है वो मेरा होना चाहिए। दुनिया में वो अच्छी सीता मेरी है, मैं की पुत्री मेरी है, कुबेर ने बनाया था इतने परिश्रम से, ये मेरा होना चाहिए, सोने की लंका, और लूटता था सब छीनता था, इसीलिए 8-10 दिन के बाद यहां रावण बना के तुम जलाओगे भी, इसी कारण से राम को न जलाओगे, दंगा हो जाए, क्योंकि आस्था है लोगों की कि राम ऐसे हैं, रावण को खुलेआम जला सकते हो इतना विद्वान होने के बाद भी, क्योंकि उसकी मात्र यही आकांक्षा थी जो सबसे अच्छा है वो मेरा है। राम कहते थे जो मेरे हैं वही सबसे अच्छे हैं। ये एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी बात, जो मेरे पास है, जो मेरे साथ है वो बेस्ट है, और बाकी के लिए प्रयत्न करना कोई मूर्खता नहीं है, आगे बढ़ने की सोच रखना कोई मूर्खता नहीं है, पर वर्तमान के संतोष के साथ तुम देखना एक ही अंतर आता है तुम्हारे भीतर। जब तुम किसी नई वस्तु के लिए प्रयत्न करते हो तो अपने इस वस्तु से असंतोषी हो जाते हो, कुछ नहीं है, क्या है, मेरे से इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, यह असंतोष और कुछ नई पाने की इच्छा जो है उसके आनंद से वंचित, और जो नहीं है ये जरूरी नहीं कि मिल जाए। इस दुनिया में तुम करोड़पति अरबपति बनोगे कि नहीं बनोगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे कि नहीं बनोगे, तुम एक सफल व्यवसायी बनोगे कि नहीं बनोगे, इस बात की गारंटी नहीं है, तुम मरोगे इस बात की गारंटी है, निश्चित है। जो वस्तु अनिश्चित है उस अनिश्चित वस्तु के लिए अपने निश्चित आनंद को खोने वाला क्या कोई बुद्धिमान हो सकता है? क्या कोई उसको तुम लाइक करोगे ऐसे व्यक्ति को जो वर्तमान के आनंद को खो के वर्तमान में चिड़चिड़ा बन के और जो कंफर्म नहीं है कि मिलना है उसके लिए उद्वेगशील रहे, प्रयत्नशील, परेशान, हैरान। प्रयत्न करना बुरी बात नहीं है, परेशान रहना बुरी बात है, हैरान रहना बुरी बात है, और फिर जब किसी वस्तु की अपेक्षा हो गई तो मन में भय भी आ जाता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना मेहनत कर रहा हूं कहीं न मिला तो, 2 लाख लगा, 2 करोड़ लगा रहा हूं और अगर लाभ न हुआ तो, कहीं बंद हो गया तो, ये तो ये भय। अभी जो प्राप्त है उसमें सुख नहीं, जो मिलने वाला नहीं या मिलेगा उसका भय, तो तुम्हारा जीवन आनंद में कब आएगा, कब जियोगे, कब मस्ती में रहोगे? वर्तमान समय ही श्रेष्ठ है, अभी ही श्रेष्ठ है,
इससे ज्यादा और मस्ती दुनिया में जीवन में तुम्हें और कभी नहीं मिल सकती, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं तुमको। विचार करो और सोच लो, जो अभी समय है इससे अच्छा समय तुम्हारे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। निराश होना है तो हो जाओ, पर मैं कहता हूं क्योंकि जिसका अभी अच्छा नहीं वो सोचता है कभी भविष्य में अच्छा होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे विचार ऐसे हैं कि तुम वर्तमान के साथ रिलेट नहीं करते। तुम हमेशा भविष्य में जीते हो, या तो टुमारो या स्ट्रोडे, और ये दोनों गए हैं, ये दोनों में ही जी रहे हम। और हमारे पास अभी है, आज, टुडे, और टुडे को गंवाए जा रहे हैं। मेरी हर बात यही आके अटक जाती है, क्योंकि जब तक तुम नहीं सीख लेते युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन कह दिया मैं सीख लिया, भीम कह दिया मैं सीख लिया, दुर्योधन भी कह लिया मैं सीख लिया, दुशासन भी कह लिया मैं सीख लिया, और युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, तुमको याद हुआ? और सब बड़े हंसते थे, वजह साहब बोतल बड़ा भाई है, कुछ याद ही नहीं होता। और कितना बोला था द्रोणाचार्य ने, क्या बोला था? सत्य, सत्य बोलना चाहिए, ऐसे कुछ बोला होगा। और सब ने कहा, याद हुआ? आ गुरु जी, क्या सत्य बोलना चाहिए, तुम दुर्योधन सत्य बोलना चाहिए, दुशासन सत्य बोलना चाहिए, युधिष्ठिर। और सब मुस्कुराते थे, बड़ा है, मूर्ख है बेचारा, एक दिन दो दिन महीने लग गए, महीने के बाद जब आकर कहा याद हुआ, बोला याद हो गया, क्या? बोला सत्य बोलना चाहिए। बोला यार तो तू इतना मूर्ख भी तो नहीं है, इतना मूर्ख तो नहीं है। तब युधिष्ठिर ने, गुरु को तो पता ही था पर बाकी लोगों को ये बताना चाहते थे, जरा बताओ क्या हुआ? कहा आपने जब कहा सत्य बोलना चाहिए, तब तक मेरे हृदय में सत्य नहीं था, मैं सत्य नहीं बोलता था, मैंने एक महीने तक प्रैक्टिस किया सत्य बोलने का, अब मैं हर बात, चाहे मम्मी मारे, चाहे पापा मारे, चाहे नुकसान हो जाए, मैं सत्य बोलने को राजी रहता हूं, इसलिए अब मैं आपसे कहता हूं सत्य बोलना चाहिए, मैंने सीख लिया। तब सबके मुंह ऐसे हो गए, दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, सब जो चिल्ला रहे थे। तुम भी सोचते हो मैं रोज वही बातें कहता हूं, आनंद प्राप्त करो, रोज वही कहता हूं, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो, कोई नई बात तो कहते नहीं, नई बात कह के भी क्या करूं? एक बात जो कह रहा हूं पहले उसे तो मान लो, तुम वर्तमान में जीना तो शुरू कर दो, वर्तमान के आनंद को लेना तो शुरू कर दो, इसके आगे फिर कुछ होगा तो बताऊंगा, वैसे मुझे पता है कुछ है नहीं, इसके बाद कुछ है नहीं, मैं ध्यानी हूं, इस बात का अगर तुझे ध्यान हो गया तो ध्यान से चूक जाएगा, याद रखना, मैं ध्यानी हूं, यह भी ध्यान से चुकाने की एक वस्तु है, आई विल एक्सप्लेन इट, करूंगा। ये बोध, ये विशेषता नहीं होनी चाहिए कि मैं ध्यानी हूं, ये विशेषता जैसे ही तुम्हारे साथ जुड़ेगी, ध्यान के उस परम तत्व से वंचित हो जाओगे, फिर ध्यानी न बन पाओगे। जैसे ज्ञानी हूं यह ज्ञान का अंतरायक है, मैं ध्यानी हूं यह ध्यान का बाधक है, मैं साधक हूं यह साधना का बाधक है। या जहां कोई विशेषता तुम्हारे साथ लग गई वहां वो तुम्हारी बाधा बन गई, इसलिए ये बात तुम्हारे हृदय में आए ही नहीं। वर्तमान में जियो, और तुम्हें कोई मास्टर अच्छे लगते हैं वो जो कहते हैं मस्ती से मानते चलो, आनंद से मानते चलो, एंजॉय करते हुए चलो उनको। दुख का कारण यही, मुझे याद है, आखिरी बात कहता हूं दो मिनट में, मैं ऐसे ही किसी शहर में होऊंगा, मुझे याद नहीं कहां भी, एक महिला मिली मुझसे, और रोज मैं पर्सनली सबसे बातें करता था, सबके टर्म्स होते थे, आठ दिन दस दिन जहां रहता तो मेरी आदत थी कि कमरे में बात न करके मैं, अगर कोई लॉन है तो मैं कहता था कि चलो साथ साथ घूमते और बात भी कर लेते हैं। तो उन्हें कमरे में बोला नहीं मुझे हवा नहीं मिलेगी, मैं थोड़ा बाहर घूम भी लूंगा और तुम्हारा मामला भी बन जाएगा, तुमसे तो बात ही करना है मुझे। तो घूमते घूमते बात करते थे, तो वो आई बड़ी दुखी होकर, मुझसे कहा मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मेरे बहुत अच्छे पति, दो दो बच्चे, इतना सुंदर घर, गाड़ियां, इतना सब अच्छा चल रहा था, फिर क्या हुआ? बोला अचानक एक दिन वो आए और कहे मैं तुमको छोड़ता हूं, मुझे डिवोर्स दे दिया अचानक, और मैं डिप्रेशन में चली गई, तब से बहुत दुखी हूं। तो मैंने पूछा वो कैसा है? बोला वो तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, बहुत एंजॉय कर रहा है। बोला दैट्स इट, कारण कारण समझी? बोला नहीं, कारण यह है कि उसने त्याग किया, छोड़ा, किसी वस्तु के लिए तुम्हें छोड़ा,
उससे तेरे से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण वस्तु उसको मिल गई होगी और उसने जीवन का ध्येय बनाना है कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे आनंद में रहना है, और वो आनंद में है। पर तूने ये मान लिया है कि मैं परित्यक्तता हूं, मुझे छोड़ दिया, उसने लात मार दिया। तुम्हारे दुख का यही कारण है। आज भी खड़ी हो जा और अभी भी पूरा पूरा नहीं हुआ है। और वो कहता है मेरे बच्चे को भी दे दे, उठा और जाके दोनों बच्चे दे दे, कह के इसको संभाल, मैं तो ध्यान में चली, मुझे तो और मस्ती करना है। और एक पल में तेरे भीतर में इतनी मस्ती आएगी जिसे तू सोच भी नहीं सकती। और मैं तुमसे भी कहता हूं, याद रखो, इससे पहले कि ये जगत तुम्हें लात मारकर छोड़ दे, और मारेगा ही, इस दुनिया में जगत लात ही मारने के लिए आया है। भगवान ने यह संसार बनाया है तुम्हें लात मारने के लिए ही। हर एक मारेंगे, रिश्तेदार मारेंगे, दुश्मन ही नहीं अपने भी, जिनको अपना समझते वो भी मारेंगे। इससे पहले कि वो लात मार के छोड़ दे, अपने भीतर से तुम उनको त्यागा हुआ ही समझो। ऊपर से मत बोलो, ऊपर से मत उनसे कोई बहस करो कि मैंने तेरा त्याग किया, पर भीतर से मान कर बैठो, कोई नहीं मेरा, त्याग के बैठा हूं। क्या हो सकता है, क्या वर्स्ट हो सकता है मेरे साथ? मुझे जूते पड़ सकते हैं, अभी मुझे गालियां दी जा सकती है, मुझे मार दिया जा सकता है, कोई आके सूट कर सकता है। आई एम रेडी, पहले से मुझे पता है ये शरीर नश्वर है, कभी भी जा सकती है। मुझे पता है इस जगत में हर व्यक्ति का अपमान हुआ है, हो सकता है अभी अगर मैं वर्स्ट मान के बैठा हूं और इस समय बैठकर अभी प्रवचन सुनकर तुम सब प्रणाम करके मुझे जाओगे तो मुझे कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा। पर मैं ये मान के बैठा हूं कि जितने लोग बैठे हैं ना, सब आके यहां कमल चढ़ा के और पैर को एकदम पकड़ के आंसू के साथ मुझे प्रणाम करेंगे। कई तो ऐसे हैं कि वो तो वही बात है कि वो टेंट पंडाल वाले लोग हैं कि खत्म हो तो भागो, तो भागेंगे भी ऐसे खत्म होने के साथ। तो जितने लोग हैं मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा, हैं वो मुझे प्रणाम नहीं किया, ओहो इतने सुंदर प्रवचन के बाद, इतने सुंदर अभी मीटिंग हुई, हम सब मस्ती किए, मन कहां चला गया? उसने प्रणाम नहीं किया, उसने मुझे देखा नहीं। वर्ष ही मान के बैठिए ना, मेरे साथ वर्ष क्या हो सकता है, क्या कोई कर सकता है? और उसमें अगर आपको कुछ भी प्राप्त होता है तो हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड आपको कुछ न कुछ प्राप्त होता हुआ ही मिलेगा। पर जब अपेक्षाएं पाल के रखोगे, जब ये सोच के रखोगे ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं, क्यों नहीं करेंगे, मैंने इनके लिए किया था, हर रोज दुख पाओगे, हर घंटे दुख पाओगे, हर एक क्षण में तुम कष्ट पाओगे। इसलिए मान के ही चलो कि मैंने बच्चों का पालन किया है, किस लिए? कहा मुझे मस्ती थी, आनंद मिला, इसलिए कोई मैं उनके ऊपर एहसान नहीं किया हूं, बच्चों के ऊपर पाल के। क्यों? बच्चे खिलाने में, अब लघु को गोद लेने में आनंद कितना आता है, वो मेरे पास आता है फुल फुल मुंह, तो मुझे बहुत आनंद आता है। अब मैं किसी दिन, यहां बचपन में तेरे को मुंह खिलाया था, प्रणाम भी नहीं करता, ले कौन सा दुख पाल के बैठ गए, अभी जो मस्ती दिया उसने मुंह पुल, कितना मौज में होता हूं मैं, कितना आनंद मुझे आता है। पर अब बांध के बैठ गए, मुंह खिलाया है तो याद रखना कुछ ना कुछ करना, वो बांधा अपने दुख की गठरी अपने माथे पे, खुद ही बांध के बैठे हैं तो खुलेगा ही, तो जो जमा करोगे एक न एक दिन तो मिलना ही है। अपेक्षा रहित हो जा। खुशबू मुझे कहती है मुझे पता है बड़ा होकर मेरे पास ज्यादा रहने वाला नहीं है, भागेगा ही, हो तो मेरे बहुत समझदार है, तू तो जानती है, ये समझ जाए तब तो फिर जिंदगी बहुत आनंददायक हो जाए, मस्ती पूर्ण हो जाए। यही तो मस्ती है, यही तो आनंद है। हर एक बच्चा बड़ा होके एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा, और उसको निहारते हुए देख के तुम मस्ती करो। राजेश मुझसे कहता है मुझे नाचने में उतना आनंद नहीं आता, पर जब बैठता हूं आगे गाड़ी पे, गणेश का कहीं विसर्जन होता है, दुर्गा का, और आगे बच्चे लोग सब नाचते रहते हैं, उस आनंद का परिकल्पना कौन कर सकता है। एक दिन मेरी उसकी चर्चा हो रही थी, कभी कभी अकेले बैठ के भी चर्चा, मेरी दिनेश की, मेरी राजेश की, अकेले भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं कुछ कुछ टाइम मिलने से। तो जब उसका ये भाव सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह ये दुखी नहीं होगा, जल्दी नहीं हो सकता। और बात कुछ और कारण होंगे, उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा, समझ लेगा, लेकिन इस दृष्टिकोण से जो कहता है कि बच्चों को देख के मैं आनंदित रहता हूं, बच्चे क्या करें न करें वो क्यों मैं सोचूंगा, अभी जो मेरे सामने नाच रहे हैं ये देख के खुश होता, वाह बच्चे नाच रहे हैं, मैं दिन भर मेहनत किया हूं, मेरे बच्चे नाच रहे हैं, ये भी तो एक सुख है। दिन भर मेहनत किया हूं तो मेरे लिए एक घंटा भी नहीं कर सकते, हो गया दुख। दिन भर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो दुख का कारण बन गया था, इन्वेस्टमेंट किया था सुख के लिए, पर वही इन्वेस्टमेंट बन गया
दुख। और किसने बुलाया? स्वयं ने, हमने, हमने अपेक्षाएं पाल रखी थी। मैंने उस मां को कहा तू जा दोनों बच्चे को वापस कर। कहा संभाल अपना, ये कूड़ा करकट मेरे से मेरे को नहीं रखना, मेरे को दूसरा लाइफ जीना है। यकीन नहीं करोगे, दोनों बच्चे दे आई और दे के और कितना ध्यान में, मस्ती में, आनंद में। सच बोलता हूं, कभी उसके भीतर उसके चेहरे पर कभी, अब वो नहीं है, दो साल पहले ही नहीं रही, पर उसके जीवन में कभी मैंने फिर दुख नहीं देखा। ऐसी मस्ती थी। तू क्यों सोचती है तुझे कोई त्याग दिया? तू क्यों सोचता है तुझे कोई छोड़ दिया? उससे पहले ही तो सबको त्यागा हुआ मान। ये पकड़ ही तो हमारे दुख का कारण है। हम पकड़े बैठे हैं, माथे पे बोझ लिए बैठे हैं। अब बोझ लिया हुआ आदमी कभी भी फ्री चल नहीं सकता, तकलीफ तो होगी ही, होना ही है। इसलिए पहले जो अवांछित बोझ हैं, और ये बोझ सेल्फ क्रिएटेड हैं, तुमने ही क्रिएट किए हैं, वो मेरा है, उसके लिए मैंने ऐसा किया है, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, फिर बड़ा होगा, बहू आएगी, मैं सोया रहूंगा, वो किचन में जाएगी, मैं कहूंगी आज हलवा खाना है, वो हलवा बना के लाएगी, उसको क्या पता कि उससे पहले बहू ही कहेगी कि आज माथा में दर्द है, कुछ नहीं कर सकते। वो सोच के ही नहीं बैठी बेचारी, वो तो मुंगेरी लाल बनी बैठी है, हलवा आएगा। अब बहू को भी सीख के आई है कि ऐसा माथा दर्द और उसको क्या बोलते हैं माइग्रेन का बहाना बनाऊंगी कि सासू ही हलवा ला के देगी, और कोई उपाय नहीं, गर्म हलवा खा ले, अब कोई उपाय नहीं है। यहां शेर पे सब सवा शेर हैं, इसलिए कोई हसीन सपने मत पालिए। आप अपने लिए काफी हैं, आप अपने परमात्मा के साथ, अपने प्रियतम के साथ सदैव सुखी रहिए, आनंदित रहिए, वर्तमान में रहिए। आज इतना ही, फिर कल देखते हैं।